व्हाट्सएप हमारी इतनी फेवरेट एप्लीकेशन हो गई है कि हर छोटी बात के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से बातों में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, इस पर तो अब हर छोटी बात के लिए ग्रुप भी बन जाते हैं और कई बार तो हमारे दोस्त इतने फालतू होते हैं कि उस पर बिना किसी काम के लगातार मैसेजेस करते रहते हैं। और ऐसे में आप कोई इंपॉर्टेंट काम छोड़कर मैसेज चेक करने उठे हों और किसी दोस्त का फालतू मैसेज आया हो तो आएगा ना गुस्सा। हेलो दोस्तों, मैं आफरीन बताऊंगी कि व्हाट्सएप पर बिना देखे आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके किस दोस्त ने मैसेज किया, ताकि अगर कोई अनवांटेड दोस्त है या फिर आप जानते हैं कि उसने कोई फालतू मैसेज किया हो, उसके लिए आपको फोन उठाना ना पड़े। इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई भी मैसेज भेजती हूँ और देखती हूँ कि क्या टोन आती है। आप देखिए, मैंने इस फोन पे मैसेज किया और इस तरह की टोन आई। अब मुझे मेरी जितने भी मैसेजेस आएंगे वो इसी टोन में आएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए मेरी दूसरी टोन आए, ताकि मुझे अगर मैं फ़ोन नहीं भी देख रही हूँ तभी मुझे ये पता हो कि किसने मैसेज किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा। इसमें आप यहाँ पे उसी चैट को खोलें जिससे मैसेज आया हुआ है। ऑब्वियसली हमें इसी चैट को कि नोटिफिकेशन के टोन को चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट पर टैप करेंगे। यहाँ पे आपके सामने कस्टम नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आता है, इस पर टैप करेंगे। इसके बाद यूज कस्टम नोटिफिकेशंस पर टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। इसमें से हमें टोन सेलेक्ट करना है, तो कौन सी टोन सेलेक्ट करें हम? हम ये टोन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब भी हमारे बाकी कोई मैसेज आएंगे उसकी टोन जो पहले डिफॉल्ट टोन थी वो आएगी, और जब हम इस फोन से मैसेज करेंगे तो टोन, जैसे मुझे अगर इस फोन से मैसेज आता है तो अगर मैंने फोन नहीं भी देखा है तब भी मुझे पता होगा कि किसका मैसेज आया है, और मैं चाहूंगी तभी उठ के फोन देखूंगी, नहीं तो मैं उसका मैसेज इग्नोर कर दूंगी। फिर मिलूंगी नई ट्रिक के साथ।